ध्यान में है। फेशियल एक्सप्रेशन में अगला जो एक्सप्रेशन है वो है पेस्टेड स्माइल, इसे हम फेक स्माइल भी कहते हैं। ये नॉर्मल तौर पे तब हम करते हैं जब हमें फोर्स किया जाता है या हमें कोई जो है ना वो किसी आर्गुमेंट के तहत उस तरीके से कोई हमें लाने की कोशिश करता है जब हमारा दिल नहीं कर रहा, हम अंदर से हंसना नहीं चाह रहे। कभी कभार इस तरह के होता है घर कोई मेहमान आ जाता है जिसे हमारा मिलने को दिल नहीं करता, या कोई ऑफिस में कोई मीटिंग इस तरह की हो जाती है जो कि हम अटेंड करना नहीं चाह रहे होते, या कोई हायर अथॉरिटी हमें किसी पर्सन के सामने पेश कर देती है जो हमें दिल से बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी हमें उसके सामने जो होता है वो हंसना पड़ता है। अगर हंसेंगे नहीं तो ये पता लग जाता है कि ये हमें वेलकम नहीं किया जा रहा। खामोशी बहुत कुछ बयान करती है और खामोशी जो है बॉडी लैंग्वेज का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट पार्ट है। खामोशी शो करती है कि आप किसी से नफरत करते हो, आप किसी से गुस्से में हो, आप किसी को तंग करते हो, आप किसी के साथ इनकोऑपरेटिव मोड में हो। खामोश इंसान तब भी होता है जब वो सुकून चाह रहा होता है, खामोश इंसान तब भी होता है जब वो किसी को तंग करना चाह रहा होता है, खामोश इंसान तब भी होता है जब वो गुस्से में होता है। तो खामोशी बहुत ज़्यादा पहलू के बारे में बात करती है। ये हमने डिफ़ाइन करना है कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के मुताबिक खामोशी के इजहार होते हैं और उन इजहार पर जो होता है वो लोगों के रवैये भी बनते हैं। आज का मेरा लेक्चर एक तरफ और ये जो लास्ट बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये एक तरफ, ये बॉडी लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है और अहम पार्ट है और वो है शुक्रगुजारी। आज हम बदहाल हैं, परेशान हैं, जिस भी हाल में हैं, यकीन माने हम लाखों बंदों के ज़िंदगी के ख्वाब हैं। आज हम खुद को जहाँ पे महसूस करते हैं, जहाँ पे पाते हैं, हम अपने आप को समझते हैं कि हमने अपने आप को खजूर के दरख्त में अटके हुए हैं। लोगों की नस्लें दुआएं करती हैं कि या अल्लाह हमें उस जगह पे ले आ, हमें उस जगह पे पहुँचा दे जहाँ पे आज हम नाकाम होके खड़े हुए हैं। हम जो आधा बर्गर खा के छोड़ देते हैं, लोग उस बर्गर को खाने के लिए डस्टबिन के डब्बे उठाते हैं, उसमें से चेक करते हैं। जो हम चार चार डिशों को चख के छोड़ देते हैं, लोग उसके लिए दुआएं करते हैं कि या अल्लाह हमें वो डिश दे दे। लोग आटे के थैले, घी के कनस्तर और सर के दुपट्टे के लिए लोगों की दहलीजों पे बैठे रहते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया होता है, फेल हो के सप्लियाँ ले लेके मास्टर्स किया होता है और हम बड़ी मामूली सी एक कलर की जॉब पे लगे होते हैं। हमारी ज़िंदगी में पहले एक टूटी हुई 70 होती है और फिर उसके बाद हम जो है वो मेहरान गाड़ी पे पहुंच जाते हैं और 3 महल्ले के घर में हमारी जो होती है वो फौतकी हो जाती है और हम कहते हैं हमने क्या हासिल किया। यकीन माने कलकत्ता में और दिल्ली में लोगों की 3-3 नस्लें फुटपाथ पे पैदा होती है, फुटपाथ पे जवान होती है, फुटपाथ पे ही मर जाती है और उनको म्यूनसिपालिटी की जो डब्बे होते हैं गाड़ी के उसमें ले जा के उनको दफना दिया जाता है और उनका कभी भी कुछ भी नहीं होता। अब मालिक का कितना शुक्र अदा करें कि कम है, लाखों लोग हैं जो पैरेंडोल की गोली, शुगर की टैबलेट और ब्लड प्रेशर की दवाई को तरसते मर जाते हैं। आप मालिक का कितना शुक्र अदा करें कि वो कम है, हम लोग 4000 बीमारियां लेके पैदा होते हैं जो कि हमारे खून में तह रही होती है। बहुत से लोग जो हैं वो रोड पे एक्सीडेंट से मर जाते हैं। आप मालिक का कितना शुक्र अदा करें कि वो कम है, जो आप खाते हो आपको हजम हो जाता है, जो आप पीते हो वो आपके पखाने से बाहर निकल जाता है, आप का दिल जो है वो 60 दफ़ा 100 दफ़ा धड़कता है। आप रंगों में फ़र्क कर सकते हैं, आप गर्म को छूते हो गर्म को फील कर सकते हो, ठंडे को छूते हो ठंडा आपको महसूस होता है, आप अपने नाक से मक्खी हटा सकते हो। मालिक का कितना शुक्र अदा करो। आपके साथ मैं एक रियल स्टोरी शेयर करूंगा। ये कहानी एक लड़के की है कि जब वो 4 साल का होता है उसको एक पूरी सर पे फालज का अटैक हो जाता है, उसकी दुनिया वहीं पे रुक जाती है क्योंकि मिलने वाली ज़िंदगी के अगले सालों में उस बच्चे को महरूमी मिलती है, नाकामी मिलती है, लोग उस बच्चे पे तरस खाते हैं, उसका फ्यूचर की धज्जियाँ उड़ जाती है। वो बच्चा बड़ा ही मुश्किल से स्कूल जाया करता है, उस बच्चे को जो है वो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उस बच्चे को क्या होता है जी कि कोई कहता है कि उसको मुल्तान शरीफ में ले जाएं। मुल्तान शरीफ में एक बाबा जी बैठते हैं, वो बड़ा ही ज़बरदस्त इलाज करते हैं। उनका इलाज क्या होता है, उनका इलाज ये होता है कि वो तपती जो सीखों वाली सलाख होती है वो उस बच्चे के टांग पे लगा देते हैं और उस बच्चे की जो चीखें निकल आती है वो ये तमाम का तमाम कोर्स पूरा करता है, पूरा 1 साल अपनी टांग को सड़वाता है जाके, लेकिन उस बच्चे को असर नहीं होता, उसका इलाज जो होता है वो मुसलसल जारी रहता है। कोई उसे कहता है कि आप इसका ऑपरेशन करवा दे, बच्चा अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से में पहुंच जाता है कि जब उसको फिजिकली तौर पे तो वो चैलेंज हो ही जाता है, चल नहीं पाता सही तरीके से, लेकिन मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब हो जाता है।
उस बच्चे का पांव यूं हो जाता है, वो अपने ज़िंदगी के अगले सालों में इस तरह से चलना शुरू होता है। एक डॉक्टर के पास वो ऑपरेशन करवाता है, डॉक्टर पांव तो सीधा कर देता है लेकिन ऑपरेशन गलत हो जाता है, उसका अंगूठा लटक जाता है, वो बच्चा अपनी ज़िंदगी के अगले 6 साल शूज़ नहीं पहन पाता। फिर दोबारा उसका ऑपरेशन होता है, डॉक्टर जो है वो रॉड वगैरह डाल के अंगूठा तो सीधा कर देता है लेकिन अफसोस ऑपरेशन फिर गलत हो जाता है और जो होता है वो उसकी जो होते वो उंगलियाँ वो लटक जाती है। ज़िंदगी गुजर रही थी जिस तरह गुजर रही थी, बड़ी मुश्किल से वो बच्चा मैट्रिक तक पहुंचता है, बड़ी मुश्किल से बच्चे की स्टडी जारी रहती है। उसका जो होता है वो दोस्त होता है, दोस्त उसका उसे कहता है कि भाई पढ़ के करना तो काम ही है, चल मेरे साथ तू काम कर। अब उस बच्चे को पता होता है कि यार पढ़ाई के अलावा और कोई हल नहीं है, और किसी तरह का कोई हल नहीं जो मैं कर सकता हूँ। अब उसका जो दोस्त होता है वो किसी जगह पे काम करता है, उसको 8 घंटे काम करने का 6,000 मिलता है। अब वो 6,000 लेकर आता है, उस ज़माने के 6,000 भी बहुत होते हैं, वो ज़माने में 6,000 ला के अपनी माँ को देता है और उसकी माँ सूट लेकर आती है और वो सूट लेकर उस अपाहिजदा लड़के की माँ की तरफ दिखाने आ जाती है कि देख मेरे बच्चे ने मुझे कितना ज़बरदस्त सूट लेकर दिया, तेरे बच्चा किस जोगा है। अब वो जो होता है वो लड़के की माँ जो होती है पाइजदा लड़के की माँ, वो सूट की तरफ देखती है, अपने बच्चे की तरफ देखती है और सूट वापस कर देती है। उस लड़के का दिल करता है कि या अल्लाह ज़मीन खुल जाए, मैं अपनी माँ को इतनी ज़रा सी खुशी नहीं दे सकता, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो बच्चा जो होता है वो बड़ी मुश्किल से पढ़ना शुरू करता है, फोकस लगाता, सबक याद नहीं होता, खड़ा रहता है, फिर सज़ा मिलती है फिर, लेकिन वो लड़का हार नहीं मानता, वो लड़का मेहनत करता है, FSC कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है और उसके बाद वो मास्टर्स करता है और MPhil इकोनॉमिक्स में कर लेता है। आज उस लड़के का स्कूल है, अकेडमी है, वो पाकिस्तान का मशहूर और मरूफ ट्रेनर है और आपके सामने आपको अपनी स्टोरी सुना रहा है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सबके सब कर सकते हैं। आप सबके सब को वो दर्द, वो तकलीफ, वो दिक्कतें, वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा जो मुझे करना पड़ा, और मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़िंदगी में वो कभी दुख तकलीफें लाए बिना। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तमाम के तमाम लोग जो जो मुझे सुन रहे हैं, वो महसूस करें कि वो कितने लकी है और अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्रिया अदा करें, जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है कि मालिक ने आपको जिस भी हाल में रखा है आप उसी हाल में रहते हुए कामयाब हो सकते हैं। बस खुद पे यकीन करिए कि आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।